जय जगन्नाथ। आमे जदि सकारात्मक चिंता करिबा, आमे जदि सकारात्मक कर्म करिबा, आम सकारात्मक चिंता आउ सकारात्मक कर्मर फल निश्चिंत महत ओ उत्तम हब। आमे जदि नकारात्मक चिंता करिबा, आमे जदि नकारात्मक कर्म करिबा, आम नकारात्मक कर्मर फल मध्य अति नगण्य बा खराब हब। आमे करुथिबा कर्म ही आमको भल फल दब बा खराब फल दब। आमे जदि खराब कर्म करिबा, आम खराब कर्मर प्रभाव मध्य आम जीवन उपरे पड़िबो, अबा आमे जो फल प्राप्त हबा से कर्म ही अति खराब हब। जो कर्मर फल आमको भविष्यतरे दुख ओ कष्ट आउ जंत्रणा भितरको टाणी नै जीव। आमे जदि महत चिंता करिबा, महत कर्म करिबा, से महत कर्म ही आमको दिने ये मनीषरु महापुरुष सजाई दबो। आमर प्रत्येक कर्मर फल अछि। आमे जदि भल कर्म करिबा भल फल पाइबा, आमे जदि खराब कर्म करिबा आमे खराब फल पाइबा। आमर प्रत्येक कर्म भल ओ खराब कर्मर फल भल ही खराब होइथाय। आमे करथिबा प्रत्येक कार्य पूर्वरु आमको चिंता करिबार आवश्यकता अछि। मु जो कर्म करूछि से कर्म द्वारा केही दुखी होउनांति त? मु जो कर्म करूछि मो कर्म करिबा द्वारा केही कष्ट पाउनांति त? जदि मु अन्य को कष्ट दउथिबा कार्य केबे करे, से कर्मर फल मते ही कष्ट दबो, मते ही दुख दबो, मते ही जंत्रणा दबो। आज सुनिबा आमे एक सुंदर प्रसंग, प्रसंगटी होची महाभारतर। महाभारत युद्ध सरी जाइछि, आखिरु धार धार गंगा जमुनार श्रावणीर धार गांधारीको आखिरु बोही जाउछि। काहेकि ना गांधारी तांकर 100 पुत्र को हरै सारिछन्ति। महाभारत सरिबार 10 परे तिळ तर्पण कार्य सारि पांडव पांच भाई सहित वासुदेव कृष्ण अग्रसर होती। सामनारे अपेक्षारत अच्छा माता गांधारी। गांधारी को आखिरु धार धार गंगा जमुना परि श्रावणीर धार लुह ही बही जाउची। सामनारे वासुदेव कृष्ण। माँ गांधारी पचारुचंती, हे वासुदेव कृष्ण, मु एमिति कि कार्य करथिलि, मु एमिति कि कर्म करथिलि, मते आजि 100 पुत्र हरेइबार दुख, 100 विधवा बहुंकर मुख दर्शनर जंत्रणा मते आज भोग करिबा पाइ पडुछि। हे वासुदेव कृष्ण, तुम्हें आज उत्तर दियो, मु कि कर्म करथिलि जो कर्म र कष्ट जंत्रणा मते आज भोगिबा पाइ पडुछि। अति विनम्रतार सहित विनय पूर्वक भगवान कृष्ण कहते, माँ गांधारी, ये सब तोर कला कर्मर फल। माँ गांधारी कहते कि कर्म, मुमती किसी एत भूल कर्म करुच्ची, मत कौन गोटे माँ को 100 पु हरबार दुख कष्ट क्लेश आज सहवाप पड़ुच। भगवान वासुदेव कृष्ण कहते, जत्कर्मम तत्फलम, मु किछि करूनी, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश। इठी जा सब होउछि प्रकृति द्वारा नियंत्रित। आज को ठीक 100 जन्म पूर्वरु, हे माँ गांधारी, आज को ठीक 100 जन्म पूर्वरु तुम्हें जने ऋषि कन्या हई जन्म होइथिला। ऋषिंकर एकमात्र कन्या हई थिबारु तुम्हें अलीअली अति गेल्हारे बढ़ुथिला। पितांक सहित दिने तुमे नदी सज्जा को स्नान करिया पई जाइथिलो। तुम पिता जेतु ऋषि थिले, नदीर मध्यरे से गभीर जल रे स्नान करथिबा समय रे तुमे से नदीर बालुका सज्जा रे गोटिए कच्छप देइथिबा 100 अंडा को तुमे गोटिए खड़िका साहाज्य रे, गोटिए काठी साहाज्य रे मारा करिदेलो। गोटिए कच्छप बालुका सज्जा रे 100 अंडा देई गभीर नदी जल भितर को खाद्य अन्वेषण रे जाइथिला। एई समय रे तुमे कण करिछ, गोटिए काठी साहाज्य रे सेई देइथिबा 100 अंडा को तुमे फटेइ देलो। तुमे पितांक सहित नदी रे स्नान सारी घर को बाहुरी आसिलो। खाद्य अन्वेषण रे जाइथिबा कछपटी जेतेबेले बालुका सज्जा रे पहुंची देखिला, तार गोटिए अंडा मध्य सुरक्षित नाही। समस्त अंडा को तुमे
काठी साहाज्यरे नष्ट करि देइछ। कछप बालुका सज्जारे पहुँची कांदिबा पई लागिला, चित्कार करिबा पई लागिला, आउ से अभिशाप देला, मु आजि जेपरी शहेटा छुआ को हरे, छटा संतान को हरे, मु जो मातृतर कष्टरे मातृतर क्लेशरे आज जर्जरित होउछि, ये अंडा को जे फटे देइछि, मो शहेटा छुआ को जे मारी देइछि, सीए मध्य दिने ना दिने एमिति मातृतर क्लेशरे मातृतर कष्टरे एमिति ममतारे जर्जरित हबो। ये भगवान मध्य तार शहेटा छुआ को एमिति मारी देबे, आउ से बुझि पारिबो शहेटा अंडा को फटे देबा परे, शहेटा छुआ को माँ पाखरु छड़ई नेबा परे, माँ को केते कष्ट मिले, माँ को केते जंत्रणा मिले। हे माँ गांधारी, शहे जन्म पूर्वरु करितिबा कर्मर फल आज आपण भोग करुछंती। सुतरां जत्कर्मम तत्फलम। हे सज्जन माने, हे साधु महात्मा माने, आमे जेपरी कर्म करिबा आमे सेपरी फल पाइबा। आमे करुथिबा कर्म पूर्वरु आमको विचार करिबार आवश्यकता अछि। आमे जे कर्म करुचे से कर्म अन्य काकु कष्ट दउनि त, अन्य का मनरे आघात सृष्टि करुनि त? जदि आमे अन्य को दउथिबा कर्म अन्य पाई कष्ट हिथाय, ताले से कष्टर फल आमको मध्य दिने ना दिने भोगिबा पाई पड़िबो। सेथिपाई वेद व्यास लेखिले पापाय पर पीड़नम, पर को पीड़ा दबा ही पाप। तेणुकरी हे सज्जन माने, आमे सर्वदा जो कर्म करिबा से कर्म जगतर कल्याण पाई समर्पित होबार आवश्यकता अछि, अन्यर महत पाई समर्पित होबार आवश्यकता अछि। सुतरां व्यासदेव सेथिपाई पूर्णांग भावरे कहिले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परर सेवा करिबा, परर उपकार लागिबा, आमे एमिति कर्म करिवार आवश्यकता अछि जो कर्म अन्य को आनंद दबो, जगतर कल्याण पाई समर्पित हबो, ता द्वारा आमको परम शांति परम सुख प्राप्त हबा। जदि आमे एमिति किछि काम करिबा जो कर्म अन्य को कष्ट दबो, अन्य को दुख दबो, से अन्य को कष्ट दउथिबा अन्य को दुख दउथिबा कर्मर फल आमको मध्य दिने दुर्गति आड़ को कष्ट आड़ को दुख आड़ को जंत्रणा आड़ को टाणी नब। हे सज्जन माने, आपण मानको ये सेवकर विनम्र निवेदन, आपण सर्वदा कर्म करिबा पूर्व चिंता करंतु, मु जो कर्म करुची से कर्म द्वारा अन्य के कष्ट पाउनांती त, अन्य के दुख पाउनांती त? जदि आपण अन्य को कष्ट दे एबे सुख अनुभव करुचंती, से अन्य को कष्ट दउथिबा कर्मर फल आपण को दिने ना दिने दुर्गति आड़ को कष्ट आड़ को जंत्रणा आड़ को दुख आड़ को टाणी नब। तेणुकरी आपण मानक विनम्र निवेदन, एमती केवे किसी कम करूँ ना जो कर्म अन्य को कष्ट दब। ये महत कथा को, ये महत विचार को समस्त पाखे पहुँचातु। समाज में आपण भल हेले मु भल हेले समाज भल हेनी, आम समस्ते भल हेले जाए समाज भल हे। तेणुकरी आपण मानक विनम्र निवेदन, भिडियोटी को देखु, आउ सब्सक्राइब करूँ, सेयार करूँ, बेल आइकन टी टिपि दिंतु, जहाँफल आम कौन अनेक वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। नमस्ते, जय जगन्नाथ।